चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापिस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह
जाता है। यह हालत हमें बताती है कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपया से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूखे जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाब की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम से पिघलने से आता है। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में
तुम क्या क्या जानते हो। समाप्त।